मैंने एक स्टोरी डाली थी तुम्हें 10 मिलियन फैन के लिए। पूरी देर पहले ही उन्होंने ये मिरर लगाया है और
ये काफी क्यूट लग रहा है मुझे। ओके तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी स्लीपर्स देख सकते हो, ये कैसे मैंने होम स्लीपर पहनी है। फिलहाल मैंने चेंज नहीं किया बिकॉज मैं अपने कमरे में हूँ। मुझे हील्स के लिए बाहर हॉल में जाना पड़ेगा बिकॉज शूरैक से मुझे अपनी हील निकालनी पड़ेगी। बट ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे जिसकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है और पता नहीं कितनी देर लगेगी। बट मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इधर अपने छोटे क्लिप्स लगा लिए हैं और अपनी रिंग्स पहन ली है और मैंने ये वाइट आउटफिट पहना है बिकॉज मेरी आईज हैवी थी। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंपल आउटफिट पहनूं, उसके साथ मैच होगी। अगर मैंने अपनी आईज हैवी नहीं करी होती तो मुझे थोड़ा हैवी आउटफिट पहनना होता, बट मैंने अपनी आईज थोड़ी हैवी की है और आप सब देख सकते हो ये इंस्टाग्राम जैसा कलर है सारे। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताओ। मैंने एकदम लास्ट मोमेंट में ये किया आईज और मैंने डायमंड्स भी लगाए। सो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला, ये लोग ने मुझे बंद करके रखा है कमरे में, बचाओ मुझे कोई। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जो कि पता नहीं कैसा आया इसका रिजल्ट, आप लोग मुझे बताओ। और मैं इंतजार कर रही हूँ कभी लोग दरवाजा खोलेंगे और मैं बाहर जाऊंगी। जैसा आप सब देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ, वो लोग अभी तक रेडी हो, देख सकते हो आप लड़के कितनी जल्दी रेडी होती, मतलब मैं कितनी जल्दी रेडी होती हूँ, मैं जवाब नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप लोग बताओ मैं इतनी जल्दी रेडी होती हूँ ना, कौन हो सकता है मेरे घर में इतना जल्दी रेडी। कोई चैलेंज लगाएगा ना मुझसे तो हार जाएगी सबके साथ। बट अभी मुझे इंतजार करना है जब तक मैं कुछ ना कुछ टाइम पास करती हूँ। अभी मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसे ही बोर बैठना पड़ेगा जब तक ये लोग दरवाजा नहीं खोलते। सो अब मिलते हैं आपसे जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं। बाय। लो दरवाजा खोलो, मैं ही बंद कर दूंगी तुम लोगों को, तुम लोग कब सब अंदर ही नहीं आ सकोगे। खोलो, ऊपर जाओ, बहुत गंदे लोग मुझे अंदर बैठा के दरवाजा बंद कर दिया और अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा ना मैं यहाँ पे खड़ी हूँ दौड़ से दरवाजा खोले और मेरे सर पे लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट पता नहीं कब खोलेंगे, मैं क्या करूँ, इस कमरे में टीवी भी नहीं है फिलहाल, अब तक मैं टीवी भी नहीं देख सकती, सिर्फ फोन है। मैं फोन में कितना लगूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो कहने देते बैठते इधर, कुछ नहीं कर सकते। मैं ना एकदम परेशान हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ, ये फोन भी पक चुका है मुझसे कि मुझे भाई आराम दे दो, कितना चलाओगे। ये टेडी बियर भी मुझे देखते देखते थक चुका है और मैं कब से इधर बैठी हूँ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पता नहीं कर क्या रहे लोग। बाहर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही मुझे, खटपट खटपट, मुझे समझ में आ रहा है कुछ तो कर रहे हैं, मतलब मुझे बिना बताए वेट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, तब तक जब तक मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों को मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, जैसे कि मैंने अभी की चैलेंजेस वीडियो बनाई, गोलगप्पा चैलेंज बनाया और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप लोगों को वो ज़्यादा पसंद आ रही है और आप लोग मुझे कमेंट में भी बहुत बोल रहे हैं कि वीडियोस अच्छी है, हमें मज़ा आता है ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनाने में। बट जितना मैंने अपनी मेकअप वीडियो एंड ब्लॉग्स पे देखा है, आप लोगों को मेरी चैलेंज वीडियो थोड़ी कम पसंद आ रही है अकॉर्डिंग टू मेरे व्लॉग्स और मेकअप वीडियो, तो मैं सोच रही अपने ज्यादा मेकअप वीडियोस बनाऊं बिकॉज आप लोगों को वो ज्यादा पसंद आते हैं। सोच रही अपने मेकअप वीडियोस ज्यादा बनाऊं क्योंकि आप लोगों को वो ज्यादा पसंद आते हैं, तो और व्लॉग्स ज्यादा बनाऊं, तो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, आप लोग इंतजार करो थोड़ा बहुत, और होम टूर एंड होम टूर तो आएगा ही, उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करो। बट जैसे कि मैं पहले भी बकवास कर चुकी हुई है कि आप लोग आधे से ज़्यादा मेरा घर देख चुके हो, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगी। सो या वेट करो, तब तक दरवाजा खुलने का परेशान हो, कुंभकर्ण बन जाएगा, सो जाएगा। और छोड़ो यार, मैंने लेंस लगाए, लेंस पे नहीं सोना चाहिए, मेकअप भी खराब हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत खराब सोती हूँ। खोल दो दरवाजा भाई, लो कुछ नहीं कर सकते। तो
भी दरवाजा दया बन जाओ खोल दो भाई, खोली ना दे मुंह पे लग जाए वापस। नहीं खोले लो तो मैंने ना, मैं इतना बता देती हूँ, मैं मेरा मेकअप कलेक्शन नहीं दिखा रही, बस बता रही हूँ क्योंकि मैं, मेरे पास और कुछ काम नहीं करने के लिए। मैंने यहाँ पे मेरे थोड़े ब्रशेस रखे हैं, कोम रखी है और इधर छोटू सा मिरर रखा है, बस और कुछ नहीं बताने के लिए। नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ बिकॉज मैं इतनी बड़बड़ करती हूँ ना, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पर मैं पानी कम पीती हूँ। बट जैसा मुझे डॉक्टर ने बताया पानी ज़्यादा पीना चाहिए, स्किन के लिए अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो मैं दिन में ये बॉटल 3-4 बार भरती हूँ और फिर पी लेती हूँ। हाँ 3-4 बार बॉटल भरती हूँ तो 10-12 बार वॉशरूम भी जाती हूँ मैं दिन में। तो पर आप लोग भी पानी ज़्यादा पियो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है और स्किन पे पिंपल्स नहीं आते, ग्लो करती है स्किन, तो पानी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे चैलेंज भी दो ना कि ये बॉटल 1 मिनट में या 50 सेकेंड या 30 सेकेंड में खत्म करके दिखाओ तो मैं कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मैं आपको ना एक मेरी एक चीज दिखाती हूँ, उस साइड आती हूँ मैं। ये जो है ना, ये बड़ा क्यूट सा एक फोटो फ्रेम है जो मुझे मौज ने गिफ्ट किया, लाइक मौज ने मुझे एक हैम्पर गिफ्ट किया था जिसमें एक फोन था, ये फोटो फ्रेम था, चॉकलेट्स थी, टी शर्ट थी और मास्क था और एक बुक भी थी, एक बुक। सो ये बड़ा क्यूट सा फोटो फ्रेम है। सो आप लोग ने अगर मुझे मौज पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए मुझे मौज पे फॉलो कीजिए। मेरा आईडी नेम है rishbakhan138, जो मेरा इंस्टा का आईडी है, सेम आईडी नेम मेरे मौज ऐप का भी है। तो जल्दी जल्दी जाओ मौज ऐप पे मुझे फॉलो करो और वहाँ भी बहुत सारा प्यार दो, जहाँ जैसे आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह देते हो वैसे मौज ऐप पे भी दो। सो बड़ा मजा आता है मुझे मौज पे वीडियोस बनाने में। मौज अरिश्वा है मौज पे, कोई हद नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत दिखाओ। ये होता है टीपी करने का आइडिया, जब हमें कुछ काम नहीं होता है तो हम अपने में बड़बड़ करते हैं, जैसे मैं बड़बड़ करती हूँ अपने में। और मुझे मेरा मेकअप बड़ा अच्छा लगता है तो मैं मेकअप करने के बाद अपने मेकअप को बार बार ताड़ती रहती हूँ कि थोड़ा तो टैलेंट है यार इस हाथों में, अल्लाह ने थोड़ा टैलेंट दिया तो उनको चूमती रहती हूँ बार बार, थैंक यू बोलो। देखो मैं प्यारा सा क्यूट सा डायनासोर, कुछ काम ही नहीं, क्या कर रहे हो ऐसे सब भागे गए। ये ना रात को जब लाइट बंद कर देते हैं, दरवाजा खोल दिया इन लोगों ने, मैं तो बाहर जा रही मतलब, तो फाइनली इन लोग ने दरवाजा खोल दिया है। सो मैं देखती हूँ कि ये लोग ने बाहर क्या किया है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलो आप सब मेरे साथ। कितना क्यों क्यूट है, क्यूट भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, कितना क्यूट है, मैं तो बहुत खुश हूँ इसको देख के। और वो बलून्स कितने प्यारे लग रहे हैं, आप लोग को भी देखना है, आओ मेरे साथ। I'm gonna make you mine.
Thank you so much. I love you all. Thank you, my family. Thank you, everyone. Yes. Jane. So, हम फोटो शूट भी कर रहे हैं साथ में बिकॉज इतना अच्छा डेकोरेशन किया है इसलिए हम फोटो शूट भी कर रहे हैं और ब्लॉग भी बना रहे हैं. ये भी ब्लॉग में डालना. मैं सजा रही थी तो मैंने ऐसे किया. ए इसको पकड़ो इसको पकड़ो. नजर ना लग जाए. हम लोग एक साथ पूरा कैमरा नहीं आना. आज अच्छी बच्ची बच्ची आज नहीं आऊंगा ना तो छोटा वाला लेंस ले जाऊंगा. अच्छा बचपन में सब लोग आ जाएंगे. दो जन आगे बैठ जाओ बाकी लोग तीन लोग पीछे. ये मेरे काम पे मत है. हां पास में निशान खड़े हो लो. तुम भी ऐसे लेना. यो मुड़ा के बेटा तू दो रहा है ना. अभी तू भाई क्या हो गया. फाइनली मैं लाइव आने जा रही हूँ. Show the cakes now. ये बहुत ज़्यादा beautiful है और अभी हम लोग live भी आएंगे और ये हमारा साथों साथ vlog भी बन रहा है और तो बारी है हमारे cake cutting की तो हम लोग cake cutting करेंगे अभी. So guys, हम लोग लाइव जाने जा रहे हैं अभी. सो मेरे फैमिली ने मुझे सरप्राइज दिया. थैंक यू सो मच. ओ मम्मी मम्मा कम कम मम्मा कम.
सरप्राइज दिया, तो मैं अभी लाइव जा रही हूँ और मैं केक कटिंग भी साथ में ही करूंगी एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू एवरीवन, आप सबने मुझे इतना सारा प्यार, कितना प्यार कर रहे हैं उसको, ये गंदे बच्चे जूतों। सो थैंक यू, आप लोग ने मुझे इतना सारा हमेशा सपोर्ट किया, प्यार दिया और इतना सारा खुशी दी मुझे, थैंक यू। तो अभी हम लाइव जाते हैं और उसके बाद हम केक कट करते हैं। सो मैं लाइव इधर से आ रही हूँ। आपको नहीं बताया कि मैं क्यों लाइव आई, मैं अभी आप सबको बताती हूँ। आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ और आप सबको पता है कि मैं बहुत लेट हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने 10 मिलियन का सेलिब्रेशन कर रही हूँ और ये रहा सीन, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। कितना अच्छा डेकोरेशन है और ये रहे मेरे 10 मिलियन की केक्स। वाओ ये, थैंक यू गाइस, आप सबने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और हमेशा मुझे इतना खुशी दिया और मेरी सारी वीडियोस एंड फोटोज को इतना सारा प्यार दिया। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि अभी मेरा केक कटिंग है। सो आई नो बहुत ज़्यादा लेट है, अभी 11 मिलियन होने वाले हैं, बट मैं अभी सेलिब्रेट कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले होता गया, बट फाइनली अब मैं कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू, मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज दिया। मामा ये देखो, ये रही मेरी फैमिली, थैंक यू। मामा भी उधर फोटो क्लिक कर रहे हैं, उनको भी थैंक यू। सो आप लोग ने इतना सारा प्यार दिया, थैंक यू। और ये रहा मेरा छोटा मामू, ठीक है तो हम जाते हैं उधर और हमारा केक कट करते हैं। प्लीज मेरे लिए थोड़ा चेयर अप करना आप सब। ओके आ जाओ, आप सबके बगैर ये कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता, मुमकिन सही बोला ना, हाँ कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता। और थैंक यू, आप सब हमेशा इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। सॉरी मैं उधर देख रही हूँ, इधर लाइक चल रहा है बिकॉज उधर मेरा व्लॉग चल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो और मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और थैंक यू, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू मम्मा, थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू फॉर ऑल माय फॉलोअर्स, माय फैमिली, माय सपोर्टर्स, थैंक यू एवरीवन, आई लव यू गाइस सो मच। आप सब बहुत ज्यादा अच्छे, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, थैंक यू। चलो हम केक कट कर लेते, कौन सा कट पहले, कौन सा कट करूँ, रेड वाला कट करूँ, मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं छोटी सी हूँ ना, फिट नहीं आ पाऊँ, फिट आ Congratulations! क्लैप करो ये सब लोग क्लैप करो, आज भी क्लैप करो, क्लैप करो। थैंक यू मम्मा, यहाँ देखो अर्श, इधर देख के यार देखो, थैंक यू इशू,
प्यार करती हूँ। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक शेयर।